हेलो स्टूडेंट, लुक नाउ फोर्थ पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। थर्ड भी इम्पोर्टेंट पार्ट था बहुत, और ये फोर्थ पार्ट भी इसका इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर आपने कम कर दिया तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसे 3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक। तो इसको हमने बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऐसा लिख लेंगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड हम हमेशा किलोमीटर पर आवर में कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे डिस्टेंस आपको दी है 480 किलोमीटर, ठीक। तो इसमें टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर इक्वल्स टू, अभी बताइए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है हमारे पास x, इतने आवर, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे न्यू स्पीड, क्या लिखेंगे आप, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। न्यू स्पीड क्या हो गई, पहले x किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, अब उसने कहा 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, ठीक है, 80 है ना, यस 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया उसने, तो नई स्पीड बन गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब इसने आया टाइम टेकन, फिर से निकालेंगे हम टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर इक्वल्स टू 480 ओवर डिस्टेंस अपॉन स्पीड x माइनस 8 आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है आपसे कि 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका केस क्या बनेगा, यहाँ पे जो 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं 480 ओवर x माइनस 8 इज इक्वल्स टू, पहली था हमारा 480 ओवर x प्लस 3, ये तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप सिंप्लीफाई करके कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 480 ओवर x माइनस 8 माइनस 480 ओवर x इक्वल्स टू 3। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, तो क्या बन जाएगा 480 ब्रैकेट और x आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल आउट, क्या बचा x, x की 480 है मल्टीप्लाई माइनस x से x कैंसिल आउट हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 480 x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 480x माइनस 480x और प्लस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 800 88 जा 64 कैरी 6 84 जा 32 और 6 38, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1, इससे कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल्स टू 3840, तो बन जाएगा आपका ये 3x स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840 इक्वल्स टू 0, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यस पूरी इक्वेशन 3 से डिविजिबल है, तो आप कर दो इसे डिवाइडेड बाय 3, तो x स्क्वायर माइनस 8x, 3 से डिवाइड कर दिए इसको माइनस 3 बन जाए 3, 3 2 जाए 6 कितना हो जाए 2, 24 हो गया, 3 8 जाए 24 और ये 0, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मेन आपको यहाँ समझना है और सीधे आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू हो गया आपका ये डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, ओके डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो डिस्टेंस 480 थी, स्पीड पहले x थी तो ये आ गया। दूसरे में स्पीड x माइनस 8 हो गई, डिस्टेंस वही है 480 अपॉन x माइनस 8। अब कितने कम हो गई, तो उससे 3 घंटे ज्यादा लग रहे, पहले इतना टाइम लग रहा था, अब 3 घंटे ज्यादा लग, प्लस 3 कर दिया इसमें, उसको सिंपलीफाई कर दिया फिर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप करेंगे। ओके